और कैसे हो? ठीक ही होगे? नहीं हो तो हो जाओगे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में और जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा है और आपको इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो मेरी पुरानी वीडियोस को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं और जिन्हें नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आपने अपना पैसा किसी ऐसे स्टॉक में डाल रखा है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि इन्वेस्टमेंट में आपके पास टाइम प्रेशर नहीं होता या टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होता कि आपको इतने टाइम में वो स्टॉक बेचना ही होगा। आप उसको जब तक आपका मन करे तब तक के लिए आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपने स्टॉक को कम प्राइस पे ख़रीदा और ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं स्टॉक के प्राइस को बढ़ने का, और जब बढ़े तो आप बेच सकते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में आपके पास इतनी लग्जरी नहीं होती कि आप टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएं। मतलब कि ट्रेडिंग में हमेशा आपके ऊपर टाइम का प्रेशर बना रहता है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको ओवरनाइट में आपको सेल करके मार्केट से बाहर आना ही होगा। अगर आपने आज का लगाया है तो अगर आज की मार्केट 3:30 पे क्लोज होना है तो आपको 3 बजे तक आपको सेल करके वापस आ जाना होगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा उस पर्टिकुलर डे में और उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टॉक में। अब बात करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा लोगों का लॉस किस में होता है और सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा है। तो इन्वेस्टमेंट सेफ है इन कंपेरिजन टू ट्रेडिंग अगर आपका स्टॉक अच्छा है। स्टॉक अच्छा है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। फिलहाल एक स्टॉक है IEX का जो पिछले 1 साल से नुकसान दे रहा है और मैंने उसको ख़रीद लिया था थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे। तो इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि अगर आपने अच्छा स्टॉक चूज़ किया है तो वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा ही देगा, बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन मेनी थिंग्स। ट्रेडिंग इज़ लाइक गैम्बलिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करनी पड़ती है कि मार्केट अप जाएगी कि डाउन आएगी, और आपकी नॉलेज से ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केट का नेचर, स्टॉक की वोलेटिलिटी और उस दिन का मार्केट की न्यूज़ डिसाइड करती है कि ट्रेडिंग में आप कितना फ़ायदा करेंगे कितना नुकसान करेंगे। इस वजह से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से रिस्कियर होती है। बट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस में होता है या सबसे जल्दी पैसा किस में बनता है, तो वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फॉलोज अ रूल जिसको कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क मतलब अगर आपने पैसा डाला है तो जो सबसे जल्दी पैसा बन सकता है वो ट्रेडिंग के थ्रू हो सकता है, और जो सबसे जल्दी पैसे का लॉस हो सकता है वो भी ट्रेडिंग के थ्रू ही हो सकता है। मतलब कि अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा डाला है और निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो आपका जो लॉट साइज़ होगा उस हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ेगा। आप अगर बिगनर हैं तो आपको लॉट साइज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, ऑप्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, फ्यूचर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी और ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। तो वो आने वाले वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल के लिए ये फोकस करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, किस में आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा आप ट्रेडिंग के बारे में मत सोचिए, पहले मार्केट के बारे में नॉलेज लीजिए, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज लीजिए और ट्रेडिंग करते कैसे हैं ट्रेडिंग के बारे में एक्सपीरियंस लीजिए, और हो सके तो वर्चुअल मनी से ट्रेड करिए, जो सेंसिबल एक है ऐप जिसपे आप कर सकते हैं। आप अभी के लिए इन्वेस्टमेंट में फोकस करिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती ही देती है अगर आपने स्टॉक अच्छा चूज़ किया है तब। अगर आपका फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2002 या 2003 में एशियन पेंट्स 40 रुपीज़ या ACC का स्टॉक 100 रुपये में लिया होता या MRF में उस वक्त 10,000 लगाए होते तो आज MRF का एक शेयर 1 लाख रुपए का है। मतलब आप करोड़पति होते अगले पिछले 10 साल या 20 साल के इस टाइम फ्रेम में। इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका फ़ायदा ही हो, आपका नुकसान भी हो सकता है, बट फ़ायदा होने का
का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट उसके लिए कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है अगर आप सेलिंग में इन्वॉल्व हैं तो। बाइंग में कम कैपिटल में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप ट्रेडिंग में सेलिंग में हैं, ऑप्शन सेलिंग में, तो 67% आपके चांसेस हैं कि आपका फ़ायदा होगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग में हैं तो सिर्फ 33% आपके चांसेस हैं कि आपका प्रॉफिट हो। इसी वजह से अगर आप अपने मनी पे रिस्क नहीं ले सकते, या आपका मनी ऐसा है जो जिसको आप अगर लूज कर दें तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना हुआ है, अदरवाइज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो गैम्बलिंग हो जाएगी और आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। फिर आप औरों की तरह ब्लेम करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, जो कि नहीं है। बस ये है कि अगर आपके पास इतना इनफ पैसा है कि वो पर्टिकुलर कैपिटल चला भी जाता है तो आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ही आप ट्रेडिंग करिए, अदरवाइज ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। ट्रेडिंग उनके लिए बनी है जो जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और 1-2 लाख रुपए का नुकसान वो झेल सकते हैं, या उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका इतना लॉस हो जाएगा, तो उनके घर वालों पे या उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रेशर नहीं आएगा। होप कि आपको इस वीडियो में सिंपली ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ में आ गया हो। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऐसे एम्प्लॉई हैं जो पैसे पे रिस्क नहीं ले सकते, तो आप प्रिफर करिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगी, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन। पहले 2-3 साल ट्रेडिंग में वर्चुअल मनी से आप ट्रेडिंग करिए, फिर नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, तब ट्रेडिंग में उतरिए। और इस वीडियो से आपको हल्की सी भी नॉलेज मिली हो तो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी सब तो ठीक है, चलो पीस।